नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं फरीद अहमद। सबसे पहले हेडलाइन। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी से बढ़ी गलन भरी ठंड। सोमवार को पूरे दिन नहीं हुए सूरज के दर्शन। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश को ऑरेंज जोन किया घोषित। आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने दी जानकारी। गोरखनाथ मंदिर में बम की फर्जी सूचना देने वाले अभियुक्त कुर्बान अली को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में सन 2000 में 57 कोर्स हो रहे थे संचालित, 2022 में बढ़कर हो गया 140 कोर्स। 12 नए लैब का हुआ शुभारंभ। गोरखपुर में बढ़ती ठंड को देखते हुए जिलाधिकारी ने कक्षा 12 तक के सभी विद्यालयों को 7 जनवरी तक के लिए बंद करने का दिया निर्देश। आगे मौसम को देखते हुए लिया जाएगा निर्णय, एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने दी जानकारी। गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह ने नव वर्ष के अवसर पर शिक्षकों व अधिकारियों के साथ संवाद भवन में की बैठक। कहा, बाजार पर आधारित शिक्षा में अपनी उपलब्धियों को प्रदर्शित करना है महत्वपूर्ण। स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों से अपने संसाधन जुटा रहा है गोरखपुर विश्वविद्यालय। यातायात पुलिस की उपलब्धियों एवं आगामी गोरखनाथ में लगने वाले खिचड़ी मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए एसपी ट्रैफिक की अध्यक्षता में ट्रैफिक पुलिस की बैठक हुई संपन्न। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, 2023 में यातायात पुलिस जनपदीय पुलिस के साथ ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने का करेगी कार्य। गोरखपुर विश्वविद्यालय में गोरखनाथ शोधपीठ की नई बिल्डिंग हुई तैयार। इसी सप्ताह में कार होने जा रहा है शुरू। 8 रिसर्च एसोसिएट व 1 ओएसडी करेंगे कार्य प्रारंभ। शोधपीठ में 7000 स्क्वायर फीट में संग्रहालय को किया जाएगा स्थापित, कुलपति प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह ने दी जानकारी। आज़ादी के अमृतकाल में महापुरुषों को सम्मान देने के लिए अरुणोदय आर्मी सहित अन्य सहयोगी सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों ने कसी कमर। देश के प्रथम राष्ट्रपति, देश रत्न व भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा एवं प्रतिमा स्थल की साफ सफाई। संयोजक इंजीनियर पी के मल ने कहा, सड़क और चौराहों को साफ सुथरा रखते हुए चौराहों पर लगे हुए महापुरुषों की प्रतिमा के सम्मान का भी रखना है ख्याल। और नगर निगम के द्वारा बढ़ती ठंड को देखते हुए महानगर के विभिन्न चौराहों पर किया गया अलाव की व्यवस्था। ठंड से बचने के लिए लोग जल रहे अलाव का सहारा लेते आए नजर। सड़कों पर लोग लाइट जलाकर चला रहे हैं वाहन। अब समाचार विस्तार से। पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है, जिससे ऊपर और नीचे वायुमंडल में तेज पछुआ हवा चल रही है, जिससे मैदानी इलाकों में शीतलहर व ठंडी हवाएं ठंड बढ़ा रही हैं। आपको बता दें कि जनपद में साल के दूसरे दिन भी ठंड का प्रकोप जारी रहा। सोमवार को अधिकतम तापमान 10 डिग्री दर्ज किया गया। गलन भरी ठंड से लोग ठिठुरते दिखे। वहीं हर रोज की तुलना में कोहरा कम रहा, लेकिन गलन बरकरार रही। यहां तक कि सोमवार के पूरे दिन सूरज नहीं निकला। कोहरे के साथ साथ ओस की बूंदें गिरी और पछुआ हवाएं लोगों को ठिठुरन पढ़ा रही हैं, जिसके संबंध में आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि मौसम विभाग के अनुसार आगामी 3 से 4 तारीख तक ठंड और शीतलहर जारी रहेगी और पूर्वी उत्तर प्रदेश ऑरेंज जोन में कर दिया गया है, जिससे आगामी 2 दिनों तक शीतलहर एवं बादल जैसा मौसम बना रहेगा। ठंड से बचने के लिए उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि हम सभी रोड पर चलते समय गाड़ियों के हेडलाइट को जलाकर चलें और गाड़ियों की हेडलाइट सही नहीं है तो उसको सही करा लें। हेलमेट पहने, जिससे कोहरे में चलने से किसी प्रकार की परेशानी ना हो। अगर बहुत ही आवश्यक काम हो तभी घरों से बाहर निकलें। उन्होंने कहा कि नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही कंबल वितरण का कार्य चल रहा है और जिन्हें भी कंबल की आवश्यकता है वह तहसील से प्राप्त कर रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, इसीलिए बोला।
देखिए, अभी जो आपदा कार्यालय को इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार अभी आगामी मतलब 3 से 4 तारीख तक इसी तरह मौसम बने रहने की संभावना व्यक्त की गई है। ऑरेंज जोन में ये पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश जो है पूरा ऑरेंज जोन में है। तो अभी ये जो शीतलहर है वो अभी आगामी जो 2 दिनों का जो अर्ली स्टेज है उसमें ये भी मौसम इस प्रकार ठंडक बना रहेगा। सर आज कुछ मौसम अलग दिखाई दे, हाँ मौसम ये ठंडक बढ़ेगी, इसी तरह का यही सेम टाइप का ही मौसम रहेगा जैसा कि जो पूर्वानुमान हम लोगों को प्राप्त हुआ है। इसमें भी हो सकता है कि 5 तारीख से कुछ थोड़ा डाउनफॉल हो, लेकिन अभी जो हमारे पास जो अर्ली वार्निंग है उसके अनुसार मौसम इसी तरीके से अभी ठंड बनी रहेगी और अभी थोड़ी गलन रहेगी। देखिए इसमें यह है कि जगह जगहों पर मतलब स्थानीय स्तर पर नगर निगम की भी टीम और जिला प्रशासन की भी टीम जगह जगह पर अलाव का प्रबंधन किए हुए हैं। हर सार्वजनिक स्थलों पर अलाव जलाए जाने की व्यवस्था की गई है, साथ ही कंबल वितरण की भी कार्रवाई युद्ध स्तर पर पे है। जिन्हें भी कंबल की आवश्यकता है वो संबंधित तहसील के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। तो इस दौरान मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोग से यही अपील करूँगा कि नववर्ष है और नववर्ष में सभी लोग बाहर निकल रहे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं, तो अपनी गाड़ियों की हेडलाइट्स ऑन करके ही रात में या शाम दिन में ड्राइविंग करें और बहुत रैश ड्राइविंग न करें, हेलमेट का प्रयोग करें और यथासंभव कोशिश करें कि अगर बहुत आवश्यक ना हो तो घरों में रहें और सर्द से अपने आप को बचाएं। कैंट थाने की पुलिस ने गोरखनाथ मंदिर में बम की फर्जी सूचना देने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान कुर्बान अली पुत्र मोहम्मद रहीम अली निवासी उपरौल उर्फ धर्मपुर धर्म जनपद वैशाली बिहार के रूप में हुई है। कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि गोरखनाथ मंदिर में बम रखे जाने की सूचना के जरिए कंट्रोल रूम 112 को प्राप्त हुई, समस्त अधिकारीगण को इस बात की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही सर्विलांस के माध्यम से उक्त नंबर की लोकेशन प्राप्त करने के बाद नाम पता की जाँच किया गया तो फोन स्विच ऑफ हो गया। इस क्रम में मुखबिर की सूचना पर उक्त व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में कुर्बान अली ने बताया कि मैं बिहार उपरौल उर्फ धर्मपुर धर्म जनपद वैशाली का रहने वाला हूं। इंडस्ट्रियल एरिया में रेशम विभाग के पास लक्ष्मी बेकरी के यहां माल पहुंचाने का काम करता हूं। मैं अपना माल 1 जनवरी को पहुंचाने ले जा रहा था, तभी धर्मशाला के पास एक आर्ची ने मुझे ट्रैफिक नियम का उल्लंघन कर देने के लिए डांटा था। तब मैं पुलिस को परेशान करने की नीयत से एवं तंग करने के लिए 112 नंबर पर शमशाद बनकर सूचना दिया। 4 लोग केक के डब्बे में बम लेकर गोरखनाथ मंदिर के अंदर मेन गेट से प्रवेश कर गए हैं, जो काले कपड़े में बड़े बड़े बाल रखे हैं। सूचना दिया जब मुझे और फ़ोन आने लगा तो मैंने अपना फ़ोन बंद कर दिया। बाद में आप लोगों ने पकड़ लिया। पकड़े गए व्यक्ति के मोबाइल की रिकॉर्डिंग को चेक किया गया तो 112 नंबर से वार्ता की रिकॉर्डिंग प्राप्त हुई। उक्त फर्जी पता एवं फर्जी सूचना देने व फर्जी पते पर दस्तावेज बनाने के आधार पर थाना कैंट पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, जटेपुर चौकी प्रभारी धीरेन्द्र कुमार राय, कांस्टेबल रोहित यादव, अशोक यादव, रविन्द्र यादव, महिला कांस्टेबल आशीष कुमारी शामिल रहे। गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि 2022 बहुत ही अच्छा रहा है, क्योंकि पिछले साल में बहुत कार्य हुए हैं। पहले जो कि विश्वविद्यालय में 6 फैकल्टी थी वह अब 12 हो गई है, जिसमें मास कम्युनिकेशन, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल टेक्नोलॉजी, सेंटर जर्नलिज्म आया है। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय में पहले 57 कोर्स थे जो कि 2022 तक बढ़कर 140 के पास पहुँच गए हैं। इसमें यह भी देखा गया है कि कोर्सों का मार्केट में डिमांड है और प्लेसमेंट भी ज्यादा है। इस तरह का कोर्स स्टार्ट हुआ है, इसमें फोटोग्राफी, साइबर सिक्योरिटी के कोर्स, एग्रीकल्चर के 14 नए लैब बने हैं, जिसमें इंजीनियरिंग में 8 लैब, साइबर लैब, डेटा सेंटर, आईटी सेल बना है। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय के सभी बिल्डिंग को कम खर्चे पर मेंटेनेंस किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2023 में विश्वविद्यालय को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाने का कार्य होगा, जिसके लिए कार्य योजना तैयार किया जा रहा है और प्रयास किया जाएगा कि 10 साल बाद हम लोग सरकार से पैसा नहीं लेंगे, विश्वविद्यालय का सारा खर्च खुद उठाएंगे। इस समय हम लोग सरकार से 25% पैसा ले रहे हैं, लेकिन 10 साल के बाद कोई पैसा नहीं लेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह ने कहा।
बधाई। और हम लोग ने सोचा कि एक दो पत्रकार भाइयों ने कहा कि इंट्रैक्शन नहीं हो पा रहा है डायरेक्ट, तो हमने कहा इस समय मैं बुला के सबसे डायरेक्ट इंट्रैक्शन कर सकता हूँ। और पिछले साल हम लोग का साल अचीवमेंट्स का रहा, बहुत सारे कार्य हुए हैं, बहुत सारी नई 12 फैकल्टी हो गई हैं। पहले जो 6 फैकल्टी थी, 5 फैकल्टी थी, वो 12 बढ़ गई है। इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड नेचुरल साइंसेज आया है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी आया है, इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंस आया है, सेंटर ऑफ जीनोमिक्स एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स आया है, सेंटर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन आया है। तो ये नई चीज़ें आई हैं, नई व्यवस्थाएँ आई हैं। करीब लगभग जो 2000 में जो 57 कोर्स थे, 65 साल में 57 कोर्स चलते थे, आज वो कोर्सेज बढ़कर 140 के आसपास पहुंच गए हैं। और उसमें बहुत सारे कोर्सेज जो नए कोर्सेज हैं, जो मार्केट की डिमांड के कोर्सेज हैं, जिसमें एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा ज़रूरत है, उस तरह के कोर्सेज स्टार्ट हुए हैं। फोटोग्राफी के कोर्सेज लेके, आईटी के कोर्सेज लेके, साइबर सिक्योरिटी के कोर्सेज लेके हुए हैं। इसी तरह से लगभग 14 लैब एग्रीकल्चर में नई बनी है, 8 लैब इंजीनियरिंग में नई बनी है, साइबर लैब बन रही है, डेटा सेंटर बन रहा है, आईटी डेटा सेंटर इंडिपेंडेंट बना है, आईटी सेल बना है, आईटी सेल में एक मेंटेनेंस का विंग अलग आया है। और नेक में जो भी हम बहुत पुरानी बिल्डिंगें हैं और हर बिल्डिंग को रिनोवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जितना कम से कम इन्वेस्टमेंट में हो सके उसको कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि जो 2023 विश्वविद्यालय को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, चाहे NIF रैंकिंग हो, चाहे NEC हो, चाहे और QS रैंकिंग हो या और रैंकिंग हो, डिपार्टमेंट की सोकेजिंग हो, उसके बाद डिपार्टमेंट वाइज भी रैंकिंग में आगे हम लोग बढ़ेंगे। हम लोग 10 साल का जो एक विजन डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, 10 साल में ये हम लोग देने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम 10 साल में हम गवर्नमेंट से पैसा ही नहीं लेंगे। आने वाले दिनों में 10 साल में अभी हम लोग 20% ले रहे हैं, 15% ले रहे हैं, 25% ले रहे हैं, उस डॉक्यूमेंट में हम करेंगे कि फ्लेक्सिबिलिटी ले तो उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह का डॉक्यूमेंट बनाने की ज़रूरत है। और गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि हर यूनिवर्सिटी अपना खर्चा उठाए और एक गाइडलाइंस पे काम करे, उस व्यवस्था पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। और आप कोई प्रश्न है स्पेसिफिक तो एग्ज़ाम लेट हो रहा है उनके लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, एग्ज़ाम लेट नहीं हो रहा है, लेट क्योंकि ये नया सिस्टम है, इसको अडॉप्ट करने में बहुत सारी जो मिसकम्युनिकेशन स्टूडेंट टीचर और कंट्रोलर ऑफिस में है, उस कारण थोड़ा लेट होता है। उसको हम लोग को लग रहा है टाइम थोड़ा रिजॉल्व करने में, लेकिन मुझे बहुत काफ़ी उम्मीद है कि जुलाई आने तक, जो जुलाई में हमारा सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर जाएगा, जुलाई आने तक सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अभी कुछ अब लेट हुआ है, और वो इसलिए लेट हुआ है कि कुछ प्रमोशन ठीक नहीं थे, कुछ एग्जामिनेशन लेट हुए हैं, इवन एडमिशन की भी डेट बार बार बढ़ी है कॉलेज की डिमांड पे। अभी कॉलेज वाले भी नहीं समझ पा रहे हैं कि अब हमारे पास टाइम नहीं है। वो जो लास्ट में एडमिशन करते थे एग्जामिनेशन से पहले, जब लास्ट में अप्रैल में वो लोग एडमिशन करते थे, अब शुरू में रजिस्ट्रेशन होता है, उस व्यवस्था में एडजस्ट करने के कारण कॉलेज अभी तो आपको जुलाई में हुआ तो अगस्त तक करा लीजिए। उनको आदत थी कि जब अप्रैल में एग्ज़ाम होगा तो फरवरी में वो लोग एडमिशन करते थे, पैसा लेके रखते थे। तो ये सब गैप को अलग वो एड्रेस करने में थोड़ा समय लग रहा है, उसका असर है। ये फरवरी में आने की उम्मीद है। हम लोग राष्ट्रपति को भी पत्र लिखा है, और अगर राष्ट्रपति से रिफ्यूजल आएगा तो फिर हम लोग उपराष्ट्रपति को लिखेंगे, और अभी तक यही दिमाग में है। राष्ट्रपति हम लोग चाहते हैं कि राष्ट्रपति आए, लेकिन कम्युनिकेशन अभी आया नहीं है। 15 फरवरी का भी डेट के 15 से लेके 25 फरवरी तक हमने दिया है, कोई भी डेट दे दें, लेकिन अभी वो नहीं आया है। उनका रिस्पॉन्स आएगा तो हम बता सकेंगे। भव्य होगा, कुछ नए स्टूडेंट आए हैं, नई फैकल्टी बनी है, और बहुत सारे नए मेडल्स आए हैं, तो ये सर्टनली करीब
हमारे 25 नए मेडल्स हम लोग ने इंट्रोड्यूस किए हैं। तो ये नए मेडल्स, नए अवार्ड, ये भव्यता को बढ़ाता है, तो ये रहेंगे। मैं अभी कल NRF का डेटा रिव्यू कर रहा था। BHU का प्लेसमेंट करीबन 9% है और सभी में दे रहे हैं। हमारा प्लेसमेंट ऑप्शन नया आ गया है, हमने बोला है कि इसका एनुअल कैलेंडर बनाइए। प्लेसमेंट ऑप्शन को हम लोग इंजीनियरिंग विभाग में रखे हैं, एनुअल कौन कौन सी कंपनी आएगी। अभी भी हमारा 11% प्लेसमेंट है, 11% BHU से बेटर है लगता है, लेकिन हो सकता है लो हो, लेकिन BHU में स्टूडेंट थोड़ा ज़्यादा हैं, हमारे स्टूडेंट कम हैं, लेकिन उसके बाद भी अलीगढ़ का करीब 13% प्लेसमेंट है। हम जो दो यूनिवर्सिटी NRF का डेटा मैच कर रहे थे कि प्लेसमेंट पे कैसा है, तो वो BHU 7th पे है, वो 11th पे है। तो NRF में जा रहे हैं हम लोग, तो उसका डेटा कंपेयर किया तो है, इसको इम्प्रूव करेंगे, इसलिए प्लेसमेंट सेल को हम लोग एस्टेब्लिश किए हैं जी। जनपद में भर्ती ठंड को देखते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर कक्षा 12 तक के सभी प्रकार के विद्यालय को 7 जनवरी तक के लिए बंद करने का निर्देश दिया गया है। जिसके संबंध में ADM सिटी विनीत कुमार सिंह ने बताया कि जनपद में बढ़ती ठंड को देखते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर कक्षा 12 तक के सभी प्रकार के विद्यालय को 7 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है। 8 जनवरी को रविवार होने की वजह से अब 9 जनवरी को स्कूल खुलने की संभावना है। आगे जैसा भी मौसम रहेगा निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने बच्चों के गार्जियन से अपील करते हुए कहा कि बच्चों को घर से बाहर ना निकलने दें, उनको गर्म कपड़ा पहनाएं, ठंड से बचें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ADM सिटी विनीत कुमार सिंह ने कहा, जनपद में अत्यधिक ठंड को देखते हुए कथक के बच्चों का विद्यालय बंद करने का आदेश हुआ है, जो और बाकी आगे मौसम को देखते हुए फिर आगे निर्णय लिया जाएगा। आगे क्या निर्धारित किया जाएगा? जैसा भी मौसम रहेगा, अगर मौसम साफ रहेगा तो विद्यालय चलेंगे, और अगर ज़्यादा शीतलहरी पड़ेगी तो उसके अनुसार जिलाधिकारी महोदय अपने विवेक से निर्णय लेंगे। सर क्या अपील करना चाहेंगे बच्चों को, पेरेंट्स से? बच्चों के पेरेंट्स से यही कहना चाहेंगे कि अभी सर्दी का मौसम है, तो कृपया बच्चों को सर्दी से बचाएं, क्योंकि सर्दी में बच्चों को बीमार होने की संभावना ज्यादा होती है। गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने नए वर्ष के अवसर पर शिक्षकों तथा अधिकारियों के साथ सोमवार को संवाद भवन में बैठक की। इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह ने कहा कि आज बाजार आधारित अर्थव्यवस्था में शिक्षा जगत में अपनी उपलब्धियों के शोकेसिंग करना बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी यूनिवर्सिटी 66 साल पुरानी है, यह समय की मांग है कि हम 66 साल की उपलब्धियों की शोकेसिंग करें और अपने अस्तित्व को बनाए रखने में कामयाब हों। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में 70 से 80 नए स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं, जिससे विश्वविद्यालय अपने संसाधन पैदा कर रहा है। विश्वविद्यालय ने नए पाठ्यक्रमों के साथ साथ नए संकायों की भी स्थापना की है, जिसमें फर्टिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, फैकल्टी ऑफ रूरल साइंस, फैकल्टी ऑफ वोकेशनल स्टडीज शामिल है। ये नए पाठ्यक्रम तथा नई ब्रांच ही शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण की मांग के अनुरूप है। उन्होंने आह्वान किया कि हर विभाग को नए स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम बनाने चाहिए और अपने संसाधन जुटाने की आवश्यकता है। नए वर्ष में हर शिक्षक को एक प्रोजेक्ट हो, पब्लिकेशन हो, हर शिक्षक एक ऐसी शैक्षिक सामग्री तैयार करे जिसको विश्वविद्यालय शोकेस कर सके, और हर शिक्षक स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम को संचालित करने में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह ने कहा, संवाद भवन में एक खुशी जाहिर करने के लिए हमारे विश्वविद्यालय में जो माननीय कुलपति प्राप्त करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। सर्वप्रथम इस दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर स्वागत के अगली कड़ी में विभाग के अध्यक्ष एवं अधिष्ठाता इसी कड़ी में कहते हैं कि हमारे यहाँ विश्वविद्यालय ने नोबल लॉरिएट तो नहीं बल्कि उसे एक पायदान नीचे के हमने तो मैं कोई देश देने आया हूँ, ना देश देने आया हूँ, ना कोई ऐसी
स्पेशल कोई चीज होगी। मकसद सिंपल था कि नया साल है, हम लोग मिलने, कुछ हम लोगों ने क्या किया पिछले साल और आगे क्या करेंगे उस पर थोड़ा सा चर्चा, फॉर्मली इनफॉर्मली चाहे तो भी कर सकते हैं वैसे भी कर सकते हैं। मेन ये था कि आप लोग जैसे सभी बहुत सारे लोग एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, बहुत लोग मेरे से मिलना चाहते हैं, मैं भी कुछ लोगों से मिलना चाहता, तो मैंने कहा ये अवसर है, इस तरह इस अवसर पर हम लोग इसकी चर्चा कर सकते हैं। साथ साथ ये भी है क्योंकि नेक में जा रहे हैं और लास्ट एक साल से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, कुछ बिंदु थे, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं प्रिपेयर नहीं था कि सारे रील माला पहनाएंगे, तो मैं थोड़ा एम्बेसी महसूस कर रहा था, ठीक है। आज हम लोग चाहते थे कि एक इनफॉर्मल आप के क्या विचार हैं, चाहे कि हम लोग डिस्कस कर लें, और इवन हम लोग ने सोचा है कि पहले सारे ऑफिसर्स को उठाएं या डीम को उठाएं। अब डीम की संख्या इतनी ज़्यादा हो गई है, 12-13 हो गई, तो उसके लिए स्पेशल स्टेज, तो हर चीज़ पर हम लोग ने चर्चा की, तो जो उचित लगा। आज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट शिक्षक है और ऑफिसर्स हैं, सब लोग एक साथ हैं और उस पर हम लोग इसलिए और चाय पीने के साथ। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उस पर हम लोग जाएंगे। आप जानते हैं कि हम लोग नेक में जा रहे हैं, मैं शुरू में आया था तो मुझे लगा कि जो SSR हम लोग ने सरेंडर किया था उस SSR से हम लोग सरेंडर कर रहे थे कि बी आ जाएगा, और बहुत सारे हमारे साथी भी इस बात पे विश्वास कर रहे थे कि बी से ज़्यादा ज़्यादा कोशिश करेंगे शायद ही आ जाए, लेकिन जबरदस्त से ज़्यादा नहीं आएगा। लेकिन मुझे खुशी है कि मेरे सारे साथी, सारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट, सारे डीन इस बात को समझ रहे हैं कि आज हमारी स्थिति बहुत अच्छी है, और वो स्थिति इसलिए नहीं है कि कुछ मैंने कोई कमाल कर दिया, हम सब ने इकट्ठे किया है, और वो जोश मैं देख रहा हूँ, मैं जाता हूँ हर डिपार्टमेंट में जा रहा हूँ, वो जोश हमारे सारे टीचर्स में है, सारे अधिकारियों में है, अधिकारी भी बहुत पॉजिटिव है, उनको समझ में आ रहा है। तो आज की मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी में, मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी में शोकेसिंग ऑफ योर अचीवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कल मैं मुख्यमंत्री से मिला, कुछ चर्चाएं हुई, उसके बाद कुछ हमें पता नहीं था, कुछ हमारे नए गेस्ट रेगुलर फैकल्टी से मिले हैं, लिटरली उन्होंने सबसे बात किया, कितना इन्वॉल्व रहते हैं, सबसे बोला कहाँ से आए हो, क्या आए हो, क्या किया है, तो उसके बाद उन्होंने आधे घंटे तक स्पीच दी, कितना उनके दिल में कितना उनका एक्सपेक्टेशन है, उन्होंने कहा कि हाँ मेरे को साथी ने बताया कि ऐसी ऐसी चर्चा हुई, वो इकोनॉमिक्स चाहते हैं कि हर चीज़ की इकोनॉमिक्स कैलकुलेट हो, एजुकेशन पॉलिसी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, और इसमें हर डिपार्टमेंट के लिए इतना काम है, इतना रोल है, उस व्यवस्था को हम लोग को समझने की जरूरत है। आपस में मिलना चाहता है तो ये हुआ है कि हम यहाँ पे एक कर लेते हैं, कोई मिलना चाहता है वो चाहता है, एक फॉर्मली हो जाए कि हमारे इंट्रैक्शन हुआ, और एक मैसेज जो देना चाह रहे थे हम लोग ये देना चाह रहे थे कि नेक में क्या किया और आगे क्या करना है, वो मैसेज मैंने दिया। समय कम है, हर डिपार्टमेंट लगा हुआ है, आप डिपार्टमेंट विजिट करिए ना, सबकी हिस्ट्री लग रही है, सबकी पास वो लग रहा है, तो आपको समझ आएगा कि तैयारी कर रहे हैं, तो वही चर्चा की मैंने। और आने वाले कार्यों को भी, तैयारियों को भी चर्चा हुई है। जी जी, आने वाले 10 साल में जैसे बताया हमने, सब 10 साल का डॉक्यूमेंट बन रहा है, हर डिपार्टमेंट को हम लोग इनक्रेज करेंगे कि रेवेन्यू जनरेशन करें और अपना रेवेन्यू अपना लगाएं, तो इस तरह की पॉलिसी पे सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज हैं, नए प्रोजेक्ट हैं, नए जो प्रोग्राम्स हैं और नए ऑनलाइन जो प्रोग्राम्स हैं उस पर उसको बनाए और उसको 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 कॉपीराइट ले और उसको जरा ऐसा अच्छा हो कि लोग लें जिससे मार्केट किया जा सके, कुछ रेवेन्यू जनरेट हो। इसके साथ ही लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक में जाने से पहले एक नज़र हेडलाइन पर। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी से बढ़ी गलन भरी ठंड, सोमवार को पूरे दिन नहीं हुए सूरज के दर्शन। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश को ऑरेंज जोन किया घोषित, आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने दी जानकारी।
गोरखनाथ मंदिर में बम की फर्जी सूचना देने वाले अभियुक्त कुर्बान अली को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में सन 2000 में 57 कोर्स हो रहे थे संचालित, 2022 में बढ़कर हो गया 140 कोर्स, 12 नए लैब का हुआ शुभारंभ। गोरखपुर में बढ़ती ठंड को देखते हुए जिलाधिकारी ने कक्षा 12 तक के सभी विद्यालयों को 7 जनवरी तक के लिए बंद करने का दिया निर्देश, आगे मौसम को देखते हुए लिया जाएगा निर्णय, एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने दी जानकारी। गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह ने नव वर्ष के अवसर पर शिक्षकों व अधिकारियों के साथ संवाद भवन में की बैठक, कहा बाजार पर आधारित शिक्षा में अपनी उपलब्धियों को प्रदर्शित करना है महत्वपूर्ण, स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों से अपने संसाधन जुटा रहा है गोरखपुर विश्वविद्यालय। यातायात पुलिस की उपलब्धियों एवं आगामी गोरखनाथ में लगने वाले खिचड़ी मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए एसपी ट्रैफिक की अध्यक्षता में ट्रैफिक पुलिस की बैठक हुई संपन्न। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा 2023 में यातायात पुलिस जनपदीय पुलिस के साथ ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने का करेगी कार्य। गोरखपुर विश्वविद्यालय में गोरखनाथ शोधपीठ की नई बिल्डिंग हुई तैयार, इसी सप्ताह में कार होने जा रहा है शुरू, 8 रिसर्च एसोसिएट व 1 ओएसडी करेंगे कार्य प्रारंभ। शोधपीठ में 7000 स्क्वायर फीट में संग्रहालय को किया जाएगा स्थापित, कुलपति प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह ने दी जानकारी। आज़ादी के अमृतकाल में महापुरुषों को सम्मान देने के लिए अरुणोदय आर्मी सहित अन्य सहयोगी सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों ने कसी कमर, देश के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न व भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा एवं प्रतिमा स्थल की साफ सफाई। संयोजक इंजीनियर पी के मल ने कहा सड़क और चौराहों को साफ सुथरा रखते हुए चौराहों पर लगे हुए महापुरुषों की प्रतिमा के सम्मान का भी रखना है ख्याल। और नगर निगम के द्वारा बढ़ती ठंड को देखते हुए महानगर के विभिन्न चौराहों पर किया गया अलाव की व्यवस्था, ठंड से बचने के लिए लोग जल रहे अलाव का सहारा लेते आए नजर, सड़कों पर लोग लाइट जलाकर चला रहे हैं वाहन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नए वर्ष के उपलक्ष्य में यातायात पुलिस की उपलब्धियां एवं आगामी गोरखनाथ में लगने वाले खिचड़ी मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह की अध्यक्षता में पुलिस लाइन स्थित व्हाइट हाउस के सभागार में ट्रैफिक पुलिस के साथ बैठक की गई। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि नव वर्ष के आगमन के उपलक्ष्य पर पुलिस की उपलब्धियों के बारे में बताया गया तथा पिछले वर्ष अपराध नियंत्रण और आपीआरबी द्वारा आम नागरिकों को जागरूक के संबंध में जनपदीय पुलिस द्वारा की जाने वाली सभी प्रकार की उपलब्धियों के बारे में कर्मचारियों को अवगत कराया गया तथा ये भी बताया गया कि गोरखपुर पुलिस की सेवा सुरक्षा और सुनवाई को ध्यान में रखते हुए और संकल्प करते हुए 2023 में यातायात पुलिस जनपदीय पुलिस के साथ व्यवस्था को बेहतर बनाने तथा आम नागरिकों की सुनवाई करने में तथा यातायात को सुंदर बनाने में ईमानदारी के साथ योगदान देगी। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों को बताया गया कि आगामी खिचड़ी मेले में अधिक भीड़ होने की संभावना है, जिस प्रकार से वीआईपी तथा यातायात ड्यूटी संपादित किए हैं उसी के साथ यातायात का बेहतर प्रबंधन कर खिचड़ी मेले में अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन देने की कोशिश करेंगे। इस अवसर पर सीओ ट्रैफिक जयप्रकाश सिंह, टीएसआई रामवृक्ष यादव, अरुण कुमार पांडे, मनोज कुमार राय सहित अन्य ट्रैफिक पुलिस मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा कि मेले में जो भी आए वो एक ऐसा संदेश लेके जाए कि ट्रैफिक पुलिस ने बहुत अच्छा कार्य किया, उनका व्यवहार बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा सहयोग दिया और मुझे पूरी उम्मीद है कि गोरखपुर पुलिस का जो मोटो है सेवा सुरक्षा और सुनवाई उसको आत्मसात करते हुए आप लोग यातायात पुलिस के रूप में अपना पार्ट अदा करते हुए गोरखपुर पुलिस का नाम रोशन करेंगे। नववर्ष वाला सम्मेलन समाप्त हुआ, अब आपके लिए कुछ और ड्यूटी के दौरान बरतने वाली सावधानियों के बारे में पुलिस उसको समझना है
अक्सर मेरे पास ऐसे फोन आते रहते हैं ड्यूटी पॉइंट पर वाहन चालकों, फिर भी हो सकता है वो कहीं से हो, उसकी इमरजेंसी सर्विस हो, सरकारी काम में वाहन जा रहा हो या अन्य कोई बात हो सकती है। आप उस पॉइंट पर अकेले हैं, बिल्कुल उलझने को तैयार है, आप एक गाड़ी को छोड़ दीजिए, उससे बहुत नुकसान नहीं होगा, आप हमारे कंट्रोल को बता दीजिए। नववर्ष 2023 के आगमन के उपलक्ष्य में यातायात पुलिस कर्मियों के लिए उनकी उपलब्धियों के बारे में बताया गया और एसएसपी गोरखपुर महोदय द्वारा नववर्ष के अवसर पर पुलिस परिवार के सभी सदस्यों के लिए बधाई संदेश दिया गया है। उस पत्र को पढ़कर बताया गया तथा उसमें गोरखपुर पुलिस की 2022 की जो अपराध नियंत्रण के क्षेत्र में, यातायात नियंत्रण के क्षेत्र में PRV द्वारा आम नागरिकों को दी जाने वाली हेल्प के संबंध में एवं जनपदीय पुलिस द्वारा की जाने वाली सभी प्रकार की उपलब्धियों के बारे में कर्मचारियों को अवगत कराया गया और उनको मोटिवेट किया गया कि गोरखपुर पुलिस की सेवा, सुरक्षा और सुनवाई को ध्यान में रखते हुए, सेवा, सुरक्षा और सुनवाई के संकल्प को आत्मसात करते हुए वर्ष 2023 में भी यातायात पुलिस भी जनपदीय पुलिस के साथ साथ जो है व्यवस्था को बेहतर बनाने में, आम नागरिकों के सुनवाई करने में और जहां तक ट्रैफिक की बात है यातायात को फैसिलिटेट करने में अपना कर्तव्य निष्ठा से, ईमानदारी से योगदान दें, इसके संबंध में कर्मचारियों को मोटिवेट किया गया और कर्मचारियों के लिए नव वर्ष के उपलक्ष्य में मिष्ठान वितरण और जलपान का कार्यक्रम। खिचड़ी मेले के संबंध में कर्मचारियों को बताया गया कि इस वर्ष अधिक भीड़ आने की संभावना है। अभी तक आपने जिस प्रकार से VIP ड्यूटियां एवं अन्य यातायात की ड्यूटियां बेहतर तरीके से संपादित की हैं, खिचड़ी मेले के लिए भी उसी तन्मयता के साथ और एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन यातायात प्रबंधन में देने का कोशिश करेंगे। थैंक यू। गोरखपुर विश्वविद्यालय के द्वारा एक सप्ताह में नई बिल्डिंग गोरक्षनाथ शोधपीठ में कार्य करने जा रही है, जिसके संबंध में गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह ने बताया कि गोरखपुर विश्वविद्यालय की नई बिल्डिंग में गोरक्षनाथ शोधपीठ में पहले सप्ताह में कार्य प्रारंभ करने जा रहा है और नाथ पंथ के लोग बिल्डिंग में बैठना शुरू कर देंगे। इसके लिए वहां पर नियुक्ति की जा रही है, विश्वविद्यालय से फर्नीचर का भी व्यवस्था किया जा रहा है। अभी टेम्परेरी कनेक्शन लेकर कार्य प्रारंभ किया जा रहा है, जिसके लिए शासन से 1.5 करोड़ रुपए आना है। सभी स्टाफ को वहां पर फरवरी तक नियुक्ति कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि वहां पर रिसेप्शन पर नाथ पंथ के 9 गुरुओं की मूर्तियाँ लगेंगी, उस मूर्तियों पर उनके बारे में सभी जानकारियां रहेंगी तथा 7000 स्क्वायर फीट में एक संग्रहालय स्थापित किया जाएगा जो कि नाथ पंथ पर रहेगा और डिजिटल लाइब्रेरी भी रहेगी, जिसका 5 करोड़ का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है जो कि आते ही प्रारंभ हो जाएगा। इसकी शुरुआत में ही शोधपीठ में 8 रिसर्च एसोसिएट तथा 1 OSD कार्य प्रारंभ करेंगे, इसलिए शोधपीठ में से जुड़े वहाँ पर हो रहे शोध कार्यों में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह ने कहा, मैं कल मुख्यमंत्री जी के पास गया था तो मैंने चर्चा की, जो नई बिल्डिंग बनी है इसी जनवरी के फर्स्ट वीक में वहाँ पे बैठने लग जाएंगे नाथ पंथ के। ये नई बिल्डिंग में हमारे करीब 8 रिसर्च एसोसिएट हैं, हमारे OSD हैं, हमारे एक दो डीन इंचार्ज हैं, कुछ लोग हम लोग प्रोफेसर इंचार्ज बनाए हैं, तो उनकी हम अपने यूनिवर्सिटी से फर्नीचर की व्यवस्था कर रहे हैं।
और वो वहाँ पे बैठना स्टार्ट कर देंगे। टेम्परेरी कनेक्शन अभी ले रहे हैं, रेगुलर कनेक्शन में करीब 1.5 करोड़ रुपया लगेगा, वो गवर्नमेंट से आना है, आया नहीं तो हम टेम्परेरी कनेक्शन लेके स्टार्ट कर देंगे। और जो अपॉइंटमेंट भी इसका फरवरी तक जितने हैं हम लोग करके बिठा देंगे। गंभीर नाथ चेयर के लिए हमने एक एप्लीकेशन इनवाइट की है यूजीसी के नाम में, तो गंभीर नाथ चेयर यूजीसी ने किए थे उस पर भी एक अपॉइंटमेंट कर देंगे। एक जो नई जो एक प्रपोजल संस्कृत विभाग में गया है जिसपे मेरे संस्कृत मंत्री और संस्कृत प्रमुख सचिव से चर्चा हुई है, उसमें एक जो रिसेप्शन है उसमें 9 नाच की मूर्तियां लग रही हैं, एक बहुत भव्य एक जो वो तैयार हो रहा है कि 9 जितने हैं उनके बारे में लिखा जा रहा है। उसके बाद इसमें रिसेप्शन के बाद एक बहुत बड़ा उसमें म्यूजियम करीब 7,000 स्क्वायर फीट पे एक बहुत अच्छा नाथ पंथ पे म्यूजियम है, तो उसमें सारे नाथ पंथ का बैकग्राउंड, नाथ पंथ की हिस्ट्री, मंदिर की हिस्ट्री। उसके बाद एक डिजिटल लाइब्रेरी जिसमें नाथ पंथ और उससे रिलेटेड चाहे कबीर हों चाहे और भी हो बुद्धा हों सबके बारे में इस तरह के जो क्षेत्र में हैं सारी लाइब्रेरी रहेगी। इसका करीब 5 करोड़ का प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हुआ है, मंत्री जयवीर सिंह जी ने बोला है और प्रमुख सचिव ने बोला है कि हम इसको फंड करेंगे, तो वो जैसे आएगा धीरे धीरे फिर इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये वही नाथ पंथ की बिल्डिंग में उसी में उसका है, अभी तो थोड़ा फर्नीचर डाल के हम स्टार्ट कर दे रहे हैं, लेकिन अब वो पूरा जो हमारे आर्ट रिसर्च एसोसिएट USG हमारे डीन वहाँ बैठना स्टार्ट कर देंगे। उसमें ट्रांसलेशन का अलग विभाग है, उसमें फिलॉसफी का अलग विभाग है, धर्म और रिलीजन का अलग है, लैंग्वेज का अलग है, जितनी नाथ पंथ में लैंग्वेज है, ट्रांसलेशन का अलग है, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ नाथ पंथ का अलग विभाग है, और उसके बाद उसमें अवार्ड ऑन नाथ पंथ उसका अलग विभाग है, तो और सेमिनार सम्पोजियम कराने का अलग विभाग है। तो ये व्यवस्थाएं अब ये इसी 7-8 दिन में वो लोग वहाँ बैठना स्टार्ट कर देंगे, तो अपने आप फुल फ्लैज काम करेंगे। अरुणोदय आर्मी एवं सहयोगी सामाजिक सांस्कृतिक संगठन, गोरश पूर्वांचल ऑटो ऑपरेटर एसोसिएशन, समाचार पत्र विक्रेता संघ तथा राष्ट्र बंधन समिति के द्वारा तथा अरुणोदय आर्मी के संयोजक इंजीनियर पीके मल के नेतृत्व में आज़ादी के अमृतकाल में महापुरुषों को सम्मान देने के लिए यातायात तिराहा पर देश के प्रथम राष्ट्रपति, देश रत्न व भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा एवं प्रतिमा स्थल को साफ सफाई की गई, जिसके संबंध में इंजीनियर पीके मल ने बताया कि हम सब एक जिम्मेदार नागरिक हैं, अपने घरों पर साफ सुथरा रखना हमारा कर्तव्य है, अपने दरवाजे को साफ सुथरा रखना, अपनी सड़क और चौराहों को भी साफ सुथरा रखते हुए चौराहों पर लगे हुए महापुरुषों की प्रतिमा के सम्मान का भी ख्याल रखना है, और लोगों को जागरूक किया गया ताकि चौराहों पर लगे हुए महापुरुषों की प्रतिमा को सम्मान दिया जा सके। उन्होंने कहा कि सामाजिक सांस्कृतिक व्यापारिक संगठनों के सहयोग से गोरखपुर महानगर में हर चौराहों पर लगी हुई महापुरुषों के सम्मान में यह कार्य चलेगा। इस अवसर पर जटाशंकर गुरुद्वारा के अध्यक्ष सरदार जसपाल सिंह, दुर्गेश त्रिपाठी, प्रमोद उपाध्याय, हिमांशु हिंदू, स्वामीनाथ खरवार, सुशील मिश्रा, पन्ने यादव, महेश यादव, जीके द्विवेदी, प्रदीप आनंद, चतुर्धन मिश्रा, मिथिलेश मल, धीरज श्रीवास्तव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अरुणोदय आर्मी के संयोजक इंजीनियर पीके मल ने कहा, सबके सहयोग से तो हो पाएगा, सब लोगों को इतना माला दीजिए। अरे भाई थोड़ा सा और पीछे होइए, थोड़ा सा और पीछे होइए तभी सभी का आएगा। बीच में कहाँ घुसे जा रहे हो यार? Okay,
आज यहाँ पे उदय आर्मी द्वारा हमारे जितने भी गोरखपुर के सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है सब लोगों ने मिलके महापुरुषों की मूर्ति का साफ सफाई रखने का हम लोगों ने वचन लिया है। आज उस क्रम में पहला भारत के प्रथम राष्ट्रपति श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की यहाँ पे ट्रैफिक किराए पे मूर्ति लगी है, इसकी पूरी धुलाई सफाई हम लोगों ने किया है। और ऐसा देखा जाता है कि कई बार लोग इस पर पोस्टर चिपका देते हैं, झंडा बैनर लगा देते हैं, ठीक है कार्यक्रम हुआ, कार्यक्रम के तुरंत बाद उसकी सफाई हो जानी चाहिए, जो नहीं हो पाता है और पोस्टर तो कतई ना चिपकाएं, तो हम लोगों ने पहले धुलाई सफाई करके लोगों को जागरूक करने का कार्य किया है कि सफाई रखें, महापुरुषों के प्रति आदर रखें, सम्मान रखें। और महापुरुषों के सम्मान में हम हैं मैदान में और हमारी पूरी गोरखपुर के सभी एनर्जेटिक और सभी सामाजिक सांस्कृतिक संगठन, आप सरदार जसपाल सिंह हैं, आप मिथिलेश मल जी हैं, स्वामीनाथ खरवाल जी के द्विवेदी ऑटो स्टेशन से मिश्रा जी, ये सभी लोग मिलकर सब लोगों ने प्रण लिया कि हम लोग अपने महापुरुषों की मूर्तियों को साफ रखेंगे और लोगों को गंदा करने से रोकेंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे ये नूतन वर्ष 2023 में हम लोगों ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि लोग अपनी जिम्मेदारी निभाएं, क्योंकि साफ रखने से हमारे भविष्य की प्रगति आगे होगी और हम लोग खुशहाल होंगे। तो साफ सफाई अपने घर के, अपने दरवाजे का, अपने सड़क पे और चौराहों की सफाई तो हमको रखनी ही पड़ेगी। नगर निगम के द्वारा बढ़ती ठंड को देखते हुए महानगर में विभिन्न चौराहों पर अलाव की व्यवस्था किया गया। आपको बता दें कि ठंड से बचने के लिए महानगर के विभिन्न चौराहों और भीड़ भाड़ वाली जगह पर नगर निगम प्रशासन द्वारा अलाव की व्यवस्था किया गया है। शहर में आने जाने वाले नागरिक ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। नागरिकों का कहना है कि गोरखपुर में तेज हवाओं ने ठंड व गलन को बढ़ा दिया है। सुबह से सड़कों पर शीतलहर की वजह से नागरिकों को बाहर निकलने में दिक्कत हो रही है। लोग अपने वाहन की हेडलाइट जलाकर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि नगर निगम ने अलाव की व्यवस्था तो की है, लेकिन उनकी दी हुई लकड़ियां जल्द ही जलकर ख़त्म हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें परेशानी उठानी पड़ती है। उसके बाद हम लोगों को खुद उसकी व्यवस्था करनी पड़ती है, जिससे हम लोग अलाव जलाते हैं ताकि ठंड से हमारा बचाव हो सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए नागरिकों ने कहा, आशुतोष मिश्रा नाम है। इधर दो दिनों में काफ़ी ठंड बढ़ी है और नगर निगम ने व्यवस्था बहुत पहले से कर रखी थी। हर दिन यहाँ पे उनकी गाड़ियाँ आती हैं, लकड़ियाँ गिराते हैं, यहाँ पे जो भी चौकीदार तैनात हैं वो जो है इकट्ठा करके जलाते रहते हैं। और कल से तो दिन पूरे दिन लकड़ी जलती है, रात भर ही जलती है और विभाग की तरफ से भी लकड़ियाँ इकट्ठा कर पीछे रखी गई हैं, आवश्यकता पड़ती है तो उनको भी जलाया जाता है। व्यवस्था है निगम, नगर निगम की गाड़ी प्रतिदिन आती है। सर्वदानंद पांडे, ठंड बढ़ गई, किस प्रकार की दिक्कत हो रही है आपको? इस समय नगर निगम और हमारे रोडवेज के कर्मचारी लोग हम लोग के लिए व्यवस्था बढ़िया किए हुए हैं। ठंड से बचने के लिए दोनों तरफ से लकड़ियों का व्यवस्था किया गया है। हम लोग यात्रीगण हैं, चार पाँच लोग हम लोग हैं, मऊ घो से जाना हम लोग को, और व्यवस्था सुविधा हम बहुत बढ़िया है। दिक्कत कितनी हो रही है? दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है ठंड के नाते, लकड़ियाँ अगर और गिराई जाए तो उसके लिए हम लोग के लिए बढ़िया पड़ेगा यात्रियों के लिए। मुझे पता है ठंड काफ़ी बढ़ गया, उसके लिए क्या व्यवस्था की जा रही है? जितनी आग जल रहा है कितनी दिक्कत हो रही है आप लोग? ठंड से तो दिक्कत कर, ठंड से हम ही को नहीं सबको दिक्कत हो रही है। हम
मान के हम लोग की मर्जी हो गई है तो थोड़ा तो हम लोग को ज्यादा लगेगा। नगर निगम ने यही है तुम्हारा आज तक हमें व्यवस्था किया है, डेली लकड़ी जुटता है, डेली यहाँ व्यवस्था जो है रहती है। ठंड की पूरी व्यवस्था आप लोग की देखी जा रही है? हाँ हाँ, ठंड के लिए पूरी व्यवस्था की जा रही है। अरे काफी बढ़ गई है समस्या, के अलावा का व्यवस्था है ही यहाँ पे जो है हल्का फुल्का ठंड लगी गई है। नगर निगम क्या व्यवस्था है? नगर निगम, नगर निगम की व्यवस्था यहाँ पर है लेकिन उनकी लकड़ी तो जो है खत्म हो गई थी, हम लोग अपनी लकड़ी यहाँ पे जलवा रहे निकलवा के जो है उनकी लकड़ी जो है रात भर जली है खत्म हो चुकी है वो लकड़ी जो है। लकड़ी डेली उनकी नहीं गिरती है? नहीं डेली गिरती है, लकड़ी डेली गिरती है, रात भर जलती है। तो यहाँ पे जो है 24 घंटा यहाँ पे अलावा जलता ही रहता है, अगर बुध भी जाता है तो हम लोग अपने तरफ से लकड़ी यहाँ जलाते हैं, 24 घंटा यहाँ लकड़ी जलती रहती है। आज के लिए बस इतना ही, जाने से पहले एक नजर हेडलाइन पर। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी से बढ़ी गलन भरी ठंड, सोमवार को पूरे दिन नहीं हुए सूरज के दर्शन। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश को ऑरेंज जोन किया घोषित, आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने दी जानकारी। गोरखनाथ मंदिर में बम की फर्जी सूचना देने वाले अभियुक्त कुर्बान अली को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में सन 2000 में 57 कोर्स हो रहे थे संचालित, 2022 में बढ़कर हो गया 140 कोर्स, 12 नए लैब का हुआ शुभारंभ। गोरखपुर में बढ़ती ठंड को देखते हुए जिलाधिकारी ने कक्षा 12 तक के सभी विद्यालयों को 7 जनवरी तक के लिए बंद करने का दिया निर्देश, आगे मौसम को देखते हुए लिया जाएगा निर्णय, एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने दी जानकारी। गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह ने नव वर्ष के अवसर पर शिक्षकों व अधिकारियों के साथ संवाद भवन में की बैठक, कहा बाजार पर आधारित शिक्षा में अपनी उपलब्धियों को प्रदर्शित करना है महत्वपूर्ण, स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों से अपने संसाधन जुटा रहा है गोरखपुर विश्वविद्यालय। यातायात पुलिस की उपलब्धियों एवं आगामी गोरखनाथ में लगने वाले खिचड़ी मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए एसपी ट्रैफिक की अध्यक्षता में ट्रैफिक पुलिस की बैठक हुई संपन्न। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा 2023 में यातायात पुलिस जनपदीय पुलिस के साथ ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने का करेगी कार्य। गोरखपुर विश्वविद्यालय में गोरखनाथ शोधपीठ की नई बिल्डिंग हुई तैयार, इसी सप्ताह में कार्य होने जा रहा है शुरू, 8 रिसर्च एसोसिएट व 1 ओएसडी करेंगे कार्य प्रारंभ। शोधपीठ में 7000 स्क्वायर फीट में संग्रहालय को किया जाएगा स्थापित, कुलपति प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह ने दी जानकारी। आजादी के अमृत काल में महापुरुषों को सम्मान देने के लिए अरुणोदय आर्मी सहित अन्य सहयोगी सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों ने कसी कमर, देश के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न व भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा एवं प्रतिमा स्थल की साफ सफाई। संयोजक इंजीनियर पीके मल ने कहा सड़क और चौराहों को साफ सुथरा रखते हुए चौराहों पर लगे हुए महापुरुषों की प्रतिमा के सम्मान का भी रखना है ख्याल। और नगर निगम के द्वारा बढ़ती ठंड को देखते हुए महानगर के विभिन्न चौराहों पर किया गया अलाव की व्यवस्था, ठंड से बचने के लिए लोग जल रहे अलाव का सहारा लेते आए नजर, सड़कों पर लोग लाइट जलाकर चला रहे हैं वाहन। अब मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।